हाय गाइस, तो यह है स्विफ्ट, न्यू वाला मॉडल है, तो 2020 है। इसमें हम साइड ग्लोरी लगा रहे हैं, सिल्वर कलर की। तो ग्लोरी होती है स्टील वाली होती है, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा बैक करके। तो ये जो पट्टी आ रही है ना, ये होती है साइड ग्लोरी, यहाँ यहाँ लगती है, यहाँ पे और ये इसके ऊपर। तो अभी मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगती है, तो आप देखिए पूरी वीडियो। तो साइड ग्लोरी होती है, ये वाली होती है, ये देख पा रहे हो आप, पूरा सेट होता है। साइड ग्लोरी काफ़ी अच्छी लुक आती है। अभी आप लुक देख रहे हो, ये यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको लुक, ये देखिए अभी ये ऐसे लग रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये साइड ग्लोरी लगा के और फिर आपको दिखाता हूँ इसका लुक कैसे लगता है। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए एंड तक, तो आप देखिए कैसे क्या लगाते हैं हम। ये देखिए, ये आती है इसकी एकदम साइज की। तो अभी इसकी डबल टैप ओपन कर रहे हैं हम, काफ़ी इजी है ये, आप भी लगा सकते हैं ले जाके। आपको मैं इसे दिखा रहा हूँ, ये देखिए डबल टैप ओपन हो गई है इसकी, ये वाली डबल टैप ओपन हो रही है, थोड़ी सी टाइट चुकी हुई रहती है, ये निकले नहीं, आराम से निकालोगे आराम से निकल जाएगी। तो इसको कुछ नहीं करना है, ये देखिए आप, यहाँ इसका नाप देना है एकदम साइज के बराबर अकॉर्डिंग, तो ऊपर रखनी है इसको, ये एकदम गलत लगे, आराम से इसको पुश कर दीजिए ताकि अच्छे से चिपक जाएगी। देखिए आप, एक बजे आते हैं अपन, एक बजे आती है, ये भी आप देख पा रहे हैं, राइट वाली, ये भी, ये भी देखिए यहाँ तक आएगी, बिल्कुल एकदम फिट आएगी, ये भी सेम वही है प्रोसेसिंग, ये टाइट होती है, यहाँ पर दिक्कत होती है क्योंकि ये क्या छोटी जगह होती है ना। आप काफी अच्छे से भी, और ये होती है साइड की, यहाँ की आएगी पट्टी, तो वो भी आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ, ये भी कैसे क्या लगती है। आपको ये देखिए आप, ये साइड की यहाँ क्रोम आती है, ये स्टील की नहीं होती, ये प्लास्टिक होती है, बाकी ये वाली स्टील की होती है, ये क्यों, ये क्या बताया, स्टील की इसलिए नहीं आती होगी ताकि टूट जाए, जैसे लगे नहीं, इसको भी आसानी से मिलाइए नाप इसका, इसको अच्छी तरीके से लगा दीजिए। और अभी हम इसके ऊपर फेब्रिक लगाएंगे थोड़ी थोड़ी का, ताकि चिपकी हुई रहे, इसके ऊपर जो भी ये पन्नी रहती है ना निकाल दीजिए ऐसे, और सिल्वर क्रोम फिनिशिंग आएगी। तो अभी मैं पहले वाला लुक था, अभी वाला लुक आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है ना, पहले कैसा लुक था अभी देखिए। तो ये नॉर्मल एक्सेसरीज होती है, ताकि कोई ज़्यादा एक्सेसरीज तड़क भड़क नहीं दिखती है, काफ़ी अच्छी लगती है, स्टील बॉर्डर है, काफ़ी मस्त है, ये फिनिशिंग आती है, गाड़ी का लुक भी अच्छा लगता है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख पा रहे हैं पहले से अभी बेटर लग रही है, लुक आ गया है। अभी उस साइड में और लगा के आपको दिखाते हैं पूरी, ठीक है गाइस। तो इधर देख पा रहे हैं आप, अभी इधर भी लगा रहे हैं हम, तो ये भैया जी लगा रहे हैं अभी, ये बोल रहे हैं हम लगाते हैं, तो हमने बोला ठीक है लगाइए, इसकी ये सिल्वर निकाली और फिनिशिंग आएगी। तो अभी लुक देख रहे हैं आप, काफ़ी नहीं लग रहा है अच्छा, तो अभी देखिए इसका सिस्टम, देख भैया जी भी सीख रहे हैं ताकि अच्छे से लगे इनको, ठीक है। अभी मैं लगा के इसको भी दिखाता हूँ, तो ये लग गई है, साइड मिरर पूरी लग गई है, देख पा रहे हैं आप अच्छे से। अब इसकी फिनिशिंग देखिए आप, अच्छे से दबाइए इसको एक बार कपड़े से, और फिर इसके ऊपर हल्के हल्के से फेविक डाल देंगे ताकि गिरे नहीं। और इसके हम एक और चीज़ भी लगा रहे हैं, तो ये है स्टील की, जो आप देख पा रहे हैं स्विफ्ट लिखा हुआ है, ये स्टील की होती है, ये कहाँ लगेगी आपको मैं दिखाता हूँ, ये लगेगी अपने डोर के यहाँ पे, जो अपन डोर के यहाँ पे बैठते हैं ना, इस जगह पे लगेगी ये इधर, और उधर से लगेगी राइट साइड, और बैक में भी लगेगी छोटी छोटी जो बैक में लगेगी। तो अभी आपको इसको भी लगा के दिखाते हैं कैसी क्या लगती है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये देखिए, ये लगती है यहाँ पर लगेगी स्टील की, तो ये ऐसे फिट होगी। तो अभी हम इसके भी वही सिस्टम है डबल टेप वाला, देख पा रहे हैं ये डबल टेप हमने निकाली, काफ़ी आसान है, ये भी आप घर पे लगा सकते हैं ले जाके, निकाल
निकाली। और यहाँ से ध्यान रखें, ये जो पट्टी आ रही है ना, इसकी लाइन पे लगा दीजिए आप, तो काफ़ी अच्छी आपको पता रहेगा दोनों साइड की हमने कहाँ पे लगाई। तो इसको यहाँ लगाया, तो ये काफ़ी इजी है, ये भी इंस्टॉलेशन करना इनका भी। आराम से चिपका दीजिए इसको दबा के कि निकले नहीं, और हम सेफ्टी के लिए फेविक लगाएंगे। तो भी पीछे वाली भी लगाता हूँ, पीछे वाली डोर खोल। पहले थोड़ा सा पानी हो रहा है, इसको निकाल दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, पानी में चिपकती नहीं है। ये लगेगी यहाँ पे, ये वाली साइज देख लीजिए आप जो आ रही है ना, ये साइज ये यहाँ लग जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसको भी अभी लगा के अब, ये भी वही है सेम प्रोसेसिंग, निकालिए डबल टैप। और ये पानी हो रहा है, थोड़ा सा पानी सूखने देते हैं। इसको भी यहाँ पे लगाया, इसको और ये यहाँ लगाया, और ये चिपक भी। इसका ये मेन रीज़न है जो ये अभी देख पा रहे हो आप, बॉडी का कलर फेड हो गया है। इससे क्या है, बॉडी का कलर फेड नहीं होगा। कोई किसी का भी पैर पड़ता है, किसी का भी करता है, तो इसके ऊपर रहेगा, या फिर ये टच होगा ना तो इसके ऊपर, इसके इसके ऊपर आ जाएगा, इसके टच नहीं होगा बॉडी के। तो आप देख पा रहे हैं, आपको मैं उधर साइड में भी दिखाता हूँ कि कैसे फेड हो रहा है। ये देख पा रहे हो आप, बॉडी का ये कलर फेड हो रहा है, ये देखिए जंग लग गया है, कलर फेड हो गया। वो लगने के बाद क्या है, ये डायरेक्ट ये जो रहता है ना फाटक दरवाज़ा, इसका जो भी होता है वो डोर इसके क्या टच हो जाएगा उसके स्टील के, तो ताकि ये क्या है, ये जंग नहीं लगेगा, तो सेफ्टी रहेगी इससे। तो अभी ये भी हम लगाते हैं, काफ़ी इजी है, आपको दिखा दिया मैंने, आप भी आसानी से लगा सकते हैं। तो अच्छे से पानी को साफ लिया, अभी वॉश करी थी इसलिए पानी आ रहा है, वरना तो नहीं रहता है। काफ़ी अच्छे से वॉश करिए इसको, पानी नहीं रहना चाहिए ताकि क्या डबल टेप से क्या पानी चिपकता नहीं है, वो डबल टेप नहीं चिपकेगी पानी रहेगा। तो अभी सूखने देते हैं, फिर इसको लगाते हैं। अभी दोनों को लगा के आपको सब दिखाता हूँ, चारों तरफ लगा के। और ये मेटी भी हमने लगाई अभी, तो आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी है, इससे भी पैर वगैरह लग के। अपन तो ये क्या ट्रे हैं, तो गंदगी वगैरह सब इसके अंदर आ जाती है, ट्रे ऐसे कैसे निकल के बाहर निकल के, और आराम से कचरा वगैरह को जो भी होता है बाहर निकाल दो, वापस इसके अंदर रख दो, काफ़ी अच्छी है। तो अभी ये भी लगाते हैं, पीछे भी लगाते हैं, फिर आपको पूरी वीडियो बना के मैं दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। हेलो गाइस, तो हमने शिफ्ट में लगा दी है क्रोम, सिल्वर क्रोम बोलते हैं उनको, पैरदान में और साइड विंडोज़ में लगा दी है। तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे क्या लगाई है, ये पड़ी है गाड़ी, तो कलर के हिसाब से काफ़ी अकॉर्डिंग मैच हो रही है ये, तो आप देख पा रहे हैं। अभी आपको अंदर वाली दिखाता हूँ, तो ये रही अंदर वाली, तो देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी लग रही है। बैक वाली भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोनों साइड में लगाई है हमने, और इस साइड में भी आपको लुक दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है, एकदम सिल्वर पट्टी जा रही है, देखिए यहाँ से होके होके पीछे वहाँ तक जा रही है, तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। तो आप भी देख पा रहे हैं, तो इसी तरह आप भी हमारी वीडियो को और भी देखिए, हम आपके लिए अलग अलग न्यू टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है गाइस।